चलिए आगे बढ़ेंगे। पशुपालकों के लिए देव नारायण आवासीय योजना के रूप में करीब 300 करोड़ का एक मॉडल प्रोजेक्ट खड़ा करना, फिर उसके बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अपने गृह नगर कोटा में प्रदेश के लिए पहले कार बाजार का भी आज लोकार्पण किया। इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट देखिएगा। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रदेश के अपनी तरह के पहले कार बाजार को कार कारोबारियों को समर्पित किया। इस पूरे मार्केट में यूआईटी ने अपनी 15 बीघा जमीन पर करीब 1 करोड़ की राशि बिजली, सड़क, पानी, 4 दीवारी समेत अन्य सुविधाएं विकसित करने पर खर्च की और आज सर्वे में चयनित करीब 250 कारोबारियों को इस आलीशान परिसर में खुद की दुकान का तोहफा मिल गया। यूआईटी ने यहां हर दुकानदार से केवल निर्माण लागत के 5.5 लाख रुपए मात्र ही लिए हैं। खास बात ये है कि 2013 के इस प्रोजेक्ट को प्रदेश में राज बदलने के बाद बरसों इंतजार करना पड़ा और तब यूआईटी कोटा ने दुकान की लागत बढ़ाकर 11 लाख कर दी थी, लेकिन यूनियन ने एक राय होकर विरोध किया। इस बीच 2018 में धारीवाल चुनाव जीतकर फिर से मंत्री बने तो उन्होंने न सिर्फ प्रोजेक्ट पूरा कराया बल्कि आवंटन भी 2013 की पुरानी दर से ही करवा कर कोटा के कार कारोबारियों की बरसों पुरानी मुराद पूरी कर दी। ये सब कांग्रेस की सरकार के द्वारा, हम ही लोगों के द्वारा सारा काम किया गया, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत बहुत बधाई है आपको कि कोड़ियों साटे जो है आपको इतनी महत्वपूर्ण जमीन पर अपने एक दुकान का मालिकाना हक मिल रहा है। इस बाजार के अंदर ही सीसी रोड, सीसी सड़कें हैं, पार्किंग का इंतजाम है, नालियां हैं, टॉयलेट ब्लॉक है, ट्यूबवेल भी बना हुआ है, रोड लाइटें हैं, विद्युतीकरण है, ये सारा काम करवाया गया है। ये सारा खर्चा जो है वो सब नगर विकास न्यास ने उठाया है। तेजी से बढ़ते और दौड़ते भागते फैलते शहरों के बढ़ते ट्रैफिक के बीच होते बेतरतीब कारोबार यातायात से जुड़ी कई नई दिक्कतें पैदा कर देते हैं। कोटा शहर के एयरोड्रम सर्किल के आसपास 1990 के दशक से शुरू हुआ कार बाजार इसी तरह की परेशानी बन गया था। आखिरकार सुगम यातायात और मुख्य चौराहे पर जाम से मुक्ति के लिए इस पूरे बाजार को किसी एक नए स्थान पर शिफ्ट करने का विकल्प तलाशना पड़ा और ये तलाश डीसीएम रोड पर शिवाजी पार्क के पास कंसुआ इलाके की खाली पड़ी करीब 15 बीघा सरकारी जमीन पर जाकर खत्म हुई। नगर विकास न्यास के द्वारा जो ये काम किया गया आपका 256 दुकानें बनाने का, मैं समझ के चलता हूँ कि यहाँ पर आपका व्यापार फलेगा फूलेगा और मालिक की दया से आप लोग सब सरसब्ज़ रहेंगे। बहरहाल इस तरह के प्रोजेक्ट का मकसद कारोबारियों को सहूलियत देकर संबंधित व्यापार को एकीकृत करना तो है ही, लेकिन साथ ही शहर के मुख्य सड़कों और चौराहों पर बेतरतीबी से होते अनाधिकृत सामूहिक व्यापार की वजह से लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान करना भी है। उम्मीद की जा रही है कि पशुपालकों के लिए 300 करोड़ के देव नारायण आवासीय प्रोजेक्ट के बाद यूआईटी कोटा की कार कारोबारियों के लिए लाई गई ये योजना भी प्रदेश की एक मॉडल योजना साबित होकर कामयाबी के ऐसे ही झंडे गाड़ेगी। भवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा।